मॉर्निंग एवरीवन। छात्रों, आज हम चैप्टर नंबर 15 ऋट लकार पढ़ने जा रहे हैं। ऋट लकार को हिंदी में भविष्यकाल के नाम से जाना जाता है। और भविष्यकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का पता चलता है उसे ऋट लकार या भविष्यकाल कहते हैं। चलिए हम एक वाक्य के द्वारा पढ़ते हैं कि यहाँ किस जगह भविष्यकाल की क्रिया हुई है। अहम पठनाय गमिष्यामि, मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। हमने पढ़ा कि क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया का रूप यह है, क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो यह क्रिया है, इससे हमें जाने का बोध हो रहा है और कब? भविष्य में जाऊंगा। तो यह है गमिष्यामि, यह भविष्यकाल की क्रिया। और इसमें लगा है उत्तम पुरुष एकवचन। जब हम कर्ता, यदि हम जिस पुरुष और जिस वचन का लेते हैं, क्रिया पद भी हमें उसी वचन और उसी पुरुष का लेना होता है। यहाँ अहम शब्द उत्तम पुरुष एकवचन का है, तो हमने क्रिया पद भी उत्तम पुरुष एकवचन का ही लिया है। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? यानी वक्ता स्वयं जो होता है वह उत्तम पुरुष का कहलाता है। यानी ना तो सुनने वाला और ना ही हम जब किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा यानी वक्ता जो होता है वह स्वयं उत्तम पुरुष का होता है। तो इसके शब्द होते हैं मैं, हम दोनों, हम सब, जिसको संस्कृत में कहते हैं अहम, आवाम, वयम। और यदि अहम, आवाम और वयम होता है तो अहम के साथ में हमें प्रत्यय जोड़ना होगा ऋट लकार के श्यामि। आवाम के साथ शावह और वयम के साथ हमें श्यामह प्रति चिन्हों का प्रयोग करना होगा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। भविष्यत काल के लिए संस्कृत में ऋट लकार का प्रयोग होता है। ऋट लकार के तीनों पुरुषों के प्रत्यय इस प्रकार हैं। यदि हमें ऋट लकार के कोई धातु रूप चलाने हैं तो हमें इन प्रत्यय चिन्हों का प्रयोग करना है। जिस प्रकार से प्रथम पुरुष के कर्ता हैं, प्रथम पुरुष के प्रत्यय चिन्ह हैं शति, शतः, शंति। और प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? ना तो बोलने वाला और ना ही सुनने वाला। जब हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो उसे कहते हैं प्रथम पुरुष। और इसमें आएगा या तो किसी का पुल्लिंग का नाम या स्त्रीलिंग का नाम, जैसे रामह या रमा। यदि रामह के अनुसार और भी अन्य बहुत सारे शब्द हैं, जैसे है कपोतः, मुष्कः, सिंहः, व्याघ्रः। ये शब्द यदि आते हैं तो हमें क्रिया के साथ में शति का प्रयोग करना है। या फिर स्त्रीलिंग के कोई शब्द हैं आकारांत स्त्रीलिंग के, जैसे रमा, बालिका या फिर सा सर्वनाम शब्द हैं, तो भी हमें शति का प्रयोग करना है। और यदि द्विवचन के पुल्लिंग शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं तो रामो, या स्त्रीलिंग में रमे या ते, तो भी हमें क्रिया के साथ में शतः का प्रयोग करना है। और बहुवचन की क्रिया शब्द हैं जैसे रमाः, रामाः पुल्लिंग में, या फिर सर्वनाम शब्द हैं ते या ताहा, तब हम शंति का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिसे बात की जा रही है उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष में आएगा तुम दोनों, तुम सब। यदि तुम है तो हम लगाएंगे शशि, तुम सब हैं तो लगाएंगे शतः, और तुम दोनों तो शतः, और तुम सब हैं तो यहाँ लगेगा शत। तो यानी यूयम, युवा, यूयम। उत्तम पुरुष यानी वक्ता जो होता है वह उत्तम पुरुष का कहलाता है। इसमें आएगा अहम, श्यामि, आवा, श्यावः, वयम, श्यामः। तो हमें प्रत्येक चिन्ह के साथ साथ हमें इन कर्ता पद का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमें इस प्रकार से जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है हमें उसी पुरुष और वचन की क्रिया लेना होती है। चलिए अब हम इसके कुछ वाक्य पढ़ते हैं। सा पुस्तकम पठिष्यति, वह पुस्तक पढ़ेगी। सा स्त्रीलिंग का एकवचन है प्रथम पुरुष का, इसलिए हमने प्रथम पुरुष एकवचन का क्रियापद लिया है।
वह पुस्तक पढ़ेगी। रमा माला च खेलिष्यतः, रमा और माला खेलेगी। यहाँ पर खेलिष्यतः द्विवचन का क्यों लिया, क्योंकि रमा और माला ये दो हैं, इसलिए द्विवचन का क्रियापद लिया है। ताहा विद्यालय गमिष्यन्ति, वह सब विद्यालय जाएंगी। तो ताहा स्त्रीलिंग बहुवचन का है और ये प्रथम पुरुष का कर्ता है, इसलिए हमने प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रियापद लिया है। अद्य त्वं विद्यालयं गमिष्यसि, आज तुम मंदिर जाओगी। यहाँ पर हमने जाओगी क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ चित्र में दिया हुआ है स्त्रीलिंग है, यानी ये स्त्रियाँ हैं, इसलिए हमने जाओगी लगाया। यदि यहाँ पे कोई चित्र ना होता तो हम यह भी कर सकते हैं पुल्लिंग, यहाँ पुरुष का चित्र होता तो हम करते अद्य त्वं देवालयं गमिष्यसि, तो इसका अर्थ हो जाएगा आज तुम मंदिर जाओगे। तो ये जो त्वं शब्द है यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए लगता है, क्योंकि यह मध्यम पुरुष का कर्ता है और जब मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं वह दोनों के लिए एक जैसे ही लगते हैं। सिर्फ हमें प्रथम पुरुष का कर्ता लिंग के अकॉर्डिंग लगाना है। यहाँ पर सा था, इसलिए हमने वह पुस्तक पढ़ेगी ऐसा ही बोला। यदि सह होता तो हम बोलते सह पुस्तकम पठिष्यति, वह पुस्तक पढ़ेगा। युवान तत्र पूजां करिष्यतः, तुम दोनों वहाँ पूजा करोगी। यूयम भोजनम खादिष्यतः, तुम सब भोजन खाओगी। तो युवाम है, इसलिए हमने यहाँ प्रत्यय चिन्ह शतः का प्रयोग किया है। यूयम है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय चिन्ह शत का प्रयोग किया है। अहम क्रीडनाय गमिष्यामि, मैं खेलने के लिए जाऊंगी या जाऊंगा, दोनों हो सकते हैं। अहम मैं क्रीडनाय खेलने के लिए, गमिष्यामि जाऊंगा। अब ये अहम उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता पद है, इसलिए हमने उत्तम पुरुष एकवचन का क्रियापद लिया है। तो यहाँ पर पुल्लिंग का चित्र दिया हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं मैं खेलने के लिए जाऊंगा। आवाम तरण प्रतियोगिताए गमिष्यावः, हम दोनों तरण प्रतियोगिता के लिए जाएंगे। वयम देवालये अर्चनां करिष्यामः, हम सब मंदिर में अर्चना करेंगे। वयम होने से यहाँ पर करिष्यामः लगा, आवाम होने से करिष्या यहाँ पे शावः लगा, और अहम होने से यहाँ पे शामी लगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, कर्ता के अनुसार हमें क्रिया लगानी है। स्वतंत्रता दिवस यह चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसमें भी ड्रिट लगार के क्रियापदों का प्रयोग किया गया है। श्वः स्वतंत्रता दिवस भविष्यति, कल स्वतंत्रता दिवस होगा, यानी यदि हमारी क्रिया भविष्यकाल की है तो हमें श्वः का प्रयोग करना है, क्योंकि यह श्वः जो है यह भविष्यकाल के लिए लगता है। कि श्वः का अर्थ होता आने वाला कल, तो यह भविष्यकाल के लिए लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे श्वः स्वतंत्रता दिवस भविष्यति, कल स्वतंत्रता दिवस होगा। विद्यालय अवकाश भविष्यति, विद्यालय में अवकाश होगा। जनाः रक्तदुर्गे गमिष्यन्ति, लोग लाल किले में जाएंगे। रक्तदुर्गः अर्थात किला होता है लाल किला, रक्त में लाल होता है, दुर्गे ने किले में, लाल किले में गमिष्यन्ति जाएंगे। तत्र गणमान्याः जनाः अपि आगमिष्यन्ति, वहाँ गणमान्य लोग भी आएंगे। प्रधानमंत्री महोदयः ध्वजारोहणं करिष्यति, प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेगा। सः जनान देशस्य प्रगति विषये वदिष्यति, वह लोगों को देश की उन्नति के विषय में बताएंगे या बोलेंगे या कहेंगे। अहम् अपि मित्रैः सह गमिष्यामि, मैं भी मित्रों के साथ जाऊंगा। कदाचित् वर्षा भविष्यति, कभी वर्षा होगी। यूयम् अपि गमिष्यत्, तुम सब भी जाओगे। पश्चात् वयम् भ्रमणाय गमिष्यामः, बाद में हम सब घूमने के लिए जाएंगे। तो यहाँ घृत लकार के क्रियापदों का प्रयोग किया गया है। भविष्यति, भविष्यति, गमिष्यन्ति, आगमिष्यन्ति, करिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यति, भविष्यति, गमिष्यत, गमिष्यामः। किंतु यहाँ कर्ता के अनुसार क्रियापद प्रयुक्त हुआ है। वयम होने से यहाँ पर श्यामः लगा है। यहाँ पर
एकवचन का होने प्रथमा प्रथम पुरुष एकवचन का होने से यहाँ पे ती लगाए शती लगाए, तो यह बात आपको याद रखना है। और इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए आपको वाक्य निर्माण भी करना आना चाहिए। इसी के लिए यह आपको लकार पढ़ाया गया है कि जब भी आपको हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए दिया जाए तो आप उसके कर्ता के वचन और पुरुष के अनुसार आप क्रिया का प्रयोग करें, इस पाठ का अध्ययन करें। धन्यवाद।